मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आम आदमी पार्टी 25 जून को महारैली और आम सभा करेगी। इसके लिए मध्य प्रदेश के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तैयारियां शुरू कर दी है। वहीं शिवपुरी पहुंचे आम आदमी पार्टी से पंजाब के बटाला विधायक और मध्य प्रदेश के सहायक प्रभारी अमन शेर सिंह सैरी कलसी ने शिवपुरी जिले के आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद किया। साथ ही सभी कार्यकर्ताओं से 25 जून को ग्वालियर पहुंचकर अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की आम सभा को सफल बनाने का आग्रह किया। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। देखिए जी, जो बीजेपी का तानाशाही रवैया, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया भी दिल्ली सरकार अपनी ब्यूरोक्रेसी में अपना ऑफिसर साहबान अपने लगा सकती है, लेकिन उसको भी दबाया जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है, सभी काम सरकार के साथ ऑफिसर अच्छे हों तो तरक्की ज़्यादा होती है, लेकिन उसको कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। उसके ये आम आदमी पार्टी है, जितना जितना इसको दबाते हैं ये उतनी उभर कर बाहर आती है। उसके संघर्ष में हम कह सकते हैं, तीन बड़ी सभाएँ रखी हैं, छत्तीसगढ़ में रखी हैं और हरियाणा में रखी है और ग्वालियर में रखी है। मैं आज शिवपुरी में आया हूँ, अपने कार्यकर्ता को मिला हूँ सभी को, और उनको भी बोला है ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने, ज़्यादा से ज़्यादा जो आम आदमी पार्टी के प्रचार में जो हमारे लोग जुटे हैं वो अपनी टीम को ज़्यादा से ज़्यादा लेकर पहुँचें। और मेरे को लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल जी का एक वक्रा क्रेज़ नज़र आ रहा है दिखने के लिए, लोग उनको सुनना भी चाहते हैं, उनको देखना भी चाहते हैं, और पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी आ रहे हैं। ग्वालियर संभाग क्यों चुना गया है? उनके अरविंद केजरीवाल जी और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी इकट्ठे। ग्वालियर जगह क्यों चुनी गई? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी है। देखिए जी, ग्वालियर में ही सरकार बदली थी, आप समझे के नहीं? राजा के गढ़ में सिर लगाने की इच्छा है। समझे के नहीं? समझे के नहीं? फिर केजरीवाल जी तो फिर वहां से पैर रखेंगे। ऐसा कहा जाता है केजरीवाल जी लालच की राजनीति करते हैं, गरीबों को लालच देंगे, बीजेपी का ये कहना और कांग्रेस का। आज तक कितने का लालच दे दिए आम आदमी पार्टी ने? अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी जो कहती है वो कर कर दिखाती है। ये पहली ऐसी पार्टी है जो अपनी गारंटियाँ देती है उसके ऊपर खरा उतरती है। आज तक 75 साल लंबे समय से पहले 4 साल लोगों को कोई नहीं पूछता। जैसे मैं शिवपुरी की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर सीवरेज का मुद्दा है कितने समय से लमका, कई ऐसे मुद्दे और भी हैं। सो मैं आपको बता देता हूँ कि लंबे समय से लोगों ने इनको मौका दिया, ये 4 साल नहीं पूछते, अखीरले साल काम थोड़ा बहुत करना शुरू कर देते हैं, बाद में फिर मैदान में आने के लिए फिर नई नई योजनाएं तैयार कर लेते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं, जो पंजाब में भी बोला वो कहा वो कर दिखाते हैं। आपके दो दो मंत्री भ्रष्टाचार। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।